बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हैं और हमारे घर में सब बाखैरियत हैं, हशाश बशाश हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं है। और जब आजकल सुन रहे हैं पाकिस्तान में ये बीमारी की दूसरी यानी कि कोरोना की दूसरी लहर आई है, अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे। मेरे देखने वालों को, जो मेरा वीडियो देखता है, अल्लाह ताला उनको सबको महफूज रखे, और जो नहीं देखता अल्लाह ताला उनको देखने की हिदायत करे। और रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट ब्रेड और चीज़ ब्रेड। चीज़ ब्रेड को तो एक मैंने ऑप्शनल ले लिया है, क्योंकि चॉकलेट ब्रेड के साथ ना चीज़ ब्रेड कोई भी नहीं खाता है। वैसे चीज़ बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, लेकिन चॉकलेट के आगे चीज़ लेट जाती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये मैंने 500 ग्राम यानी के 2 कप भर के लिए हैं ये मैदे के। अच्छा, 2 टेबलस्पून मुझे, मैं टेबलस्पून से मेजर करती हूँ, अभी अपने कुकिंग वाले स्पून से मेजर नहीं करती, क्योंकि वो स्पून किसी के पास नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पूछते हैं लोग फिर बार बार। तो ये वाले 2 टेबलस्पून मैंने ये चीनी के लिए, पिसी हुई चीनी है, शुगर है, आइसिंग शुगर बोलें या घर में पीस लें, प्रॉब्लम है तो। और 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट लिया है, ये सही है। अच्छा, ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप लिया है मैंने, यानी कि ये 4 टेबलस्पून के बराबर हो गई। मैंने हाथ तो अच्छी तरह से वॉश कर चुकी हूँ मैं, फिर भी मुझे बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ बातें बतानी ज़रूरी होती हैं, बाज़ बातें ऐसी होती हैं दिल में नहीं रखी जाती, मुंह पे लानी ज़रूरी होती हैं। तो अब इसको हम इसमें, ये मैंने दूध का 1 कप लिया है, अब इसमें 2 कप हैं, 2.5 कप हैं ये नहीं पता, और इसमें कितना जाएगा मैदे में, क्योंकि हर मैदे की क्वालिटी जो होती है वो अलग होती है। हाँ, वॉम है ये, इतना गर्म नहीं है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँ, आराम से मैं लुक वॉम है ये। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, नमक इस स्टेज पे आन के इसमें डलेगा, नमक डालना भी ज़रूरी होता है ना। इसको मैं नीचे काउंटर पे निकाल लूँगी, क्योंकि काउंटर हमारा बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, हम लोग हर वक्त इसको वॉश करते हैं, इसी वजह से कि रेसिपी बनानी होती है हमको। 1 टेबलस्पून मैंने ये बटर का लिया है, मेल्टेड है, हाँ बस। अब मैं इसको इसके साथ नीट कर लूँगी। बहुत देर लगेगी मुझे, और आप लोग इतना देर देख नहीं सकते, तो इसलिए मुझे नीट करने दें, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें, सॉफ्ट हो चुका है ये, नीट हो चुका है, और देखें कितना सॉफ्ट हो गया ना ये। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, राइस हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राइस हो चुका है ये, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं दे सकती, इतना भी सही है, काफ़ी है। ये 4 पेड़े बना लूँगी इसके बराबर बराबर के। ये हो गए, अब इसको हम थोड़ा सा, हाँ फिर राइस देंगे, क्योंकि ये राइस का ही काम होता है सारा। चलो अब ये फिर 10 मिनट के लिए इसको राइस देना है बस। चलो देखें हो गए, ये प्रूफ तक यही हुए थे मैंने इसको, बस इसको ढक दिया वापस। इसके अंदर मैदा नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बटर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी बनेगी ये। अब ये बटर की लेयर लगा रहे हैं हम इसके अंदर, सब तरफ लगाएंगे, सब इसके एजेस के ऊपर भी और मिडिल में भी। अब ये तय इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसके ऊपर भी लग जाएगा ऑटोमेटिक ये।
इधर लगाएंगे ऊपर बस। इसको ये ऐसे करके, ये जो इसके किनारे हैं ना, इसको ये ऐसे चिपका देंगे हम हाथ से, और ऐसे करके ये देखें सब चिपक गए, कितना प्यारा सा बना है ना। इसी तरह मैं ये चारों बना लेती हूँ। चारों हो गए, चारों बन चुके हैं ये। बस अब इसके अंदर हम चीज़ और चॉकलेट इसको फील करके ओवन में रख ले जाऊंगी। अभी इसको अच्छी तरह इसको बेल लेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ना इसको, हर चीज़ को प्यार मोहब्बत दिखाना पड़ता है, तो वो चीज़ सही होती है। फिर हाँ, ये तो मैंने कर लिया, बेल लिया ये। अब हम इसके अंदर चॉकलेट वाला बना रहे हैं। सबसे पहले चॉकलेट वाला बना रही हूँ मैं। ओवन प्रीहीट है? ओवन को प्रीहीट करने रख दिया है मैंने। ये देखें इस तरह करना है ये। ऐसे अब इसको ऐसे स्टिक करेंगे ना, इसको भी इधर से बंद कर देंगे ताकि इसकी चॉकलेट जो है ना मेल्ट होके बाहर ना निकले। इसको ऐसे रखेंगे अभी इसको, सही है। अब हम इसको दूसरा बना लेते हैं ऐसा। ये तीन चॉकलेट के बन गए हैं। अब चीज़ का एक बना रही हूँ मैं, क्योंकि चॉकलेट के साथ चीज़ कोई पसंद नहीं करता, तो इसलिए पसंद भी रखनी है और मुझे सिखाना भी है। हाँ हाँ, मिलो बाबा, बाबा कहाँ है, मिलो बाबा, ये रहा। देखें भाई ये भी बन गया। चलो भाई ये भी हो गया, ये चीज़ वाला है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेहतमंद बन गया, ये चीज़ ज़्यादा आ गई इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं अभी 5 मिनट के लिए इसको मैं से रखती हूँ और अपना ये इधर का काम निपटाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो ये हो चुके, थोड़ा सा मैंने इसको कोई 6-7 मिनट रेस्ट दिया है बस। अच्छा, अब हम इसके ऊपर ये एक अंडे की मैंने खाली जर्दी ली है, हाँ सफ़ेदी नहीं है ये, सिर्फ जर्दी है। तो ये मुझे, तो मुझे पहले इसके ऊपर ऐसे कट लगाने, तो ज़रा ये शार्प है तो इसीलिए इससे लगा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं छुरी से भी लगा सकती थी। ब्यूटी के लिए करना पड़ रहा है, इसकी खूबसूरती के लिए, वरना सीधे सीधे भी मैं रख सकती थी, तो ये थोड़े से अच्छे हो जाएंगे बस। वेरिएशन जितनी भी चीज़ों की करोगे तो वो थोड़े, और जो चीज़ अच्छी होती है वो खाने में भी अच्छी होती है। ये देखें कट कितना प्यारे लग रहे हैं ना। अब इसके अंदर ये अंडे की एक अंडे की एक जर्दी ली है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसके अंदर कलर लगाया। ओमेगा है ना ये, ओमेगा 3 वाले अंडे। अब इतनी ही नज़ाकत से और प्यार से इसके अंदर अंडा लगेगा, वरना ये सब ख़राब हो जाएगा, ये जो कटिंग करी है हमने इसकी। अब इसके अंदर ये तिल लगा रहे हैं हम, तिल तिल खाया करें, वैसे भी 1 चम्मच कहते हैं नारमू खा लो, तो आपके अंदर की जितनी कमियां हैं ना सब पूरी हो जाएंगी। तिल का जो तेल होता है बहुत फ़ायदे का होता है, तिल ही खा लो, तेल नहीं मिल रहा तो। इसके ऊपर डालते हैं ना, एक तो इसकी ब्यूटी बड़ी हो जाती है और इसकी कीमत भी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है भाई। मेरे घर वाले खाएंगे ना सब, प्यारे प्यारे मेरे। अब मैं जा रही हूँ उसको बेक करने के लिए, सही है। इसके अंदर रख रहे हैं ये, मैं नीचे की रॉ में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह बेक हो जाए। चलो
200 डिग्री के ऊपर रखा है मैंने, और 20 से 25 मिनट लगेंगे। जब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि ये आखिरी स्टेज है, इसके बाद तो खाने में सब लोग लग जाएंगे, तो मेरा चैनल कहीं रह ना जाए। ये हमारे बहुत प्यारे हुए हैं, प्यारे लाल लाल बने हुए हैं, तो हमारे 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 लाल बन गए हैं माशाल्लाह। बटर का स्प्रे करके और इसको हमें कवर करना पड़ेगा ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। ये अब हम इसको प्यार प्यार से उठाएंगे, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बने, और आप इसका सॉफ्टनेस देखें बहुत अच्छी। तीन तो आएंगे भी नहीं, चार इसके अंदर, इतने बड़े बड़े हो गए ये, कर ही देंगे इसको भी, रख ही लेंगे। चलो इसको अब पीछे कर दो, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं ये चीज़ वाला था, सही, इसको काट के दिखाते हैं। ये देखें ज़बरदस्त चीज़ वाला निकल रहा है ना, है ना। मैं इधर से भी काट के दिखा देती हूँ इसको, इधर से तो मैंने दिखा, इधर से तो दिखा दी ना, ये देखें माशाल्लाह, ये चीज़ वाला बनाया था मैंने। और इसका सॉफ्ट देखें, सॉफ्ट कितनी है, कितनी सॉफ्ट है, मतलब इस तरह की ब्रेड होनी चाहिए ना, सही। अब एक चॉकलेट का मैं काट के दिखा देती हूँ, ये देखें, मुझे पता है सब चॉकलेट वाले ही खाएंगे, ये देखें सब मेल्ट हुई भी है ना चॉकलेट, नज़र आ रही है अंदर से, ये देखो बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, तिल के क्रोजन ब्रेड, चॉकलेट एंड चीज़ ब्रेड। अब हम लोग जा रहे हैं, एंजॉय करना है, खा रहे हैं, चाय के साथ खाएंगे इसको, क्योंकि ये इसके अंदर चॉकलेट है। अच्छा, आप लोगों को पसंद आई रेसिपी तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स के ही इंतज़ार में रहती हूँ। और अच्छी लगी है हमारी मेहनत, आप लोगों को अच्छी लगी है कि हमने इतनी मेहनत के साथ बनाया, उतने ज़बरदस्त बनाए, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।